शनिवार को जिस दौरान भारतीय हॉकी के पूर्व कप्तान और हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह और अर्जुन पुरस्कार विजेता अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा नागपुर आए, उस वक्त उन्होंने पत्रकारों से बात की, जिस दरमियान उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय साझा की। शनिवार को भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और खेल राज्य मंत्री हरियाणा संदीप सिंह नागपुर आए थे, जिस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में अवार्ड जीतते ही खिलाड़ी के अकाउंट में पैसे पहुंच जाते हैं, वही ओलंपिक के पहले ही पैसे खिलाड़ियों के अकाउंट में पहुंच जाते हैं ताकि उससे वो ओलंपिक की तैयारी कर सके, और इसका रिजल्ट भी सामने आया है। देखिए, रिसेंटली 2019 में एज अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर मैंने हरियाणा में ज्वाइन किया, उससे पहले खिलाड़ी के रूप में था। और अगर हम बहुत पीछे चले जाएं, आज से 15 से भी 20 साल के गैप में पीछे चले जाएं, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद महाराष्ट्र आगे होगा, उस समय पंजाब आगे होगा, यूपी आगे होगा, राजस्थान आगे होगा, हरियाणा किसी भी नाम में नहीं था अगर आप देख लें, हिस्ट्री देख लें। लेकिन एक चीज़ मैं इसमें धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, मनोहर लाल जी का। 2014 में जब आया, उसके बाद आप देख लीजिए, अब 19 में भी हमने बहुत सी चेंजिंग की, अब 21 में आके फिर चेंजिंग की। हरियाणा एक लौता ऐसा स्टेट है जो 6 करोड़ रुपए गोल्ड मेडल का देता है और दिया है। आयोजित पत्रकार परिषद में बात करते दरमियान अर्जुन अवार्ड विजेता और भारतीय बैडमिंटन प्लेयर ज्वाला गुट्टा ने कहा कि हम एक ही प्लेयर को देख रहे हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट पर नहीं देख रहे हैं। जितना पैसा गवर्नमेंट खर्चा करती है उसके हिसाब से हमारे पास खिलाड़ियों की पूरी टीम होनी चाहिए। बट द थिंग इज, मैं हमेशा यही बोलती आ रही हूँ कि वी आर जस्ट लुकिंग एट वन प्लेयर, वी आर हैप्पी एंड वी आर नॉट लुकिंग एट द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्पोर्ट। I think the way the government has been pumping money in sports since 2010 Commonwealth Games, I'm sure, you know, we should have been having more number of players. We should have had a solid, मतलब एक solid team होनी चाहिए, क्योंकि अगर देखे ये tournaments आते चिरा खेल नहीं पाए because they're injured and then we don't have any representative at all. So that shouldn't be the case. Like if Sindhu is not there, we should have another player ready. Because now Sindhu, Saina, they could probably retire in next 4-5 years. We don't have any backing. पत्रकारों से बात करते दरमियान खिलाड़ियों ने विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय साझा की। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BCN News, नागपुर।